ये चीज भी इसमें लगी आई होगी, ये भी बाद में मैंने लगवाई। अच्छा ये भी गार्ड, लेग गार्ड भी बाद में। हाँ लेग गार्ड भी भैया ने कुछ कमी नहीं लगी अभी तक, तो कोई कमी नहीं। मतलब एक तरीके से मतलब कुछ तो लगा होगा कि ये चीज और होना चाहिए था बाइक में। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका टॉकली टॉक्स की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु और आज जो है हम करने वाले हैं ये रिवॉल्ट की जो एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन जो बाइक सेगमेंट में एक इसी का नाम जो है रिवॉल्ट RV 400 करके है ये जो आप देख रहे हैं। तो इसी का एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू करेंगे। भैया हमारे साथ हैं यहाँ पे, भैया एक बार नाम बता दो। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र भैया हमें हमारे साथ हैं जो इसको भैया ने बाय किया था, दिल्ली नंबर है ये, और पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे कि अब तक कितना कितने महीने हो गए भैया इसे लिए हुए। ढाई महीने लिए हुए हो गए हैं। तो मतलब फिलहाल जितने भी 2.5 महीने में भैया ने चलाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको इसकी, और अगर आप बाइक सेगमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक देख रहे हैं तो क्या इसकी ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब भैया से पूछेंगे। तो सबसे भैया पहले अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन देता, मतलब अपने कहाँ से हैं, क्या आप किस चीज का काम है। गदरपुर से उद्धम सिंह, उत्तराखंड से हूँ। मैंने दिल्ली से परचेज किया बाइक। अच्छा हाँ जी, मुझे 2.5 महीने हो गए बाइक परचेज किए हुए। अच्छा ठीक हो गया। तो ये दोस्तों ये बाइक है, तो हमें कितने की पड़ी थी बाइक भी है? ये मुझे कंप्लीट पड़ गई है 1,20,000 आसपास। 1,20,000 के आसपास पड़ गई थी विद रजिस्ट्रेशन ना? विद रजिस्ट्रेशन ऑन कंप्लीट। सब्सिडी अलग से आएगी, सब्सिडी आएगी अभी आएगी 16,200। 16,000 के अप्रोक्स में आएगी। मतलब कंपनी कब तक कह रही थी आ जाएगी? कंपनी समथिंग कह रही थी 3 महीने के बीच में आ जाएगी। अच्छा अभी तक फिलहाल नहीं आई है। अच्छा फिलहाल नहीं आई है, तो मतलब वो आ जाएगी 16,000 आएगी। तो मतलब अप्रोक्स मान लो वही 1,400 के अप्रोक्स मान लो। तो दोस्तों एक बार एक इसको देख लीजिए आप, कुछ मतलब कलर ऑप्शन कितने आते हैं इसमें? यही आता जिस टाइम मैंने ले थे उस टाइम दो थे। अब 3 कलर ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा अब 3 कलर ऑप्शन आ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये कलर जो है ब्लैक के कॉम्बिनेशन में काफी सही लग रहा है, और जो एक बाइक में इसके अलावा, जैसे भैया हम आपको इसे लेने गए हुए आप, तो इसके अलावा इसकी जगह आपने और किसी को भी देखा, मतलब स्कूटी सेगमेंट में गए ना? मतलब बाइक। अच्छा स्कूटी पहले ही, तो मतलब बाइक सेगमेंट में जाना चाह रहे थे भैया। तो यहाँ से जो है एक तरीके से अगर आप फ्रंट का लुक देखिए इसके, पूरा एक बार 360 डिग्री आपको मैं इसका एक लुक ओवरव्यू दिखाऊं, तो एकदम स्लिम ट्रिम सी मतलब स्पोर्टी सेगमेंट की जो है बाइक है आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट अगर आप देखें इसका, तो फ्रंट आपको इसमें पूरी LED सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे मैं इसके इंडिकेटर्स की बात करूं, चाहे रियर में इंडिकेटर्स, रियर टेल लैंप की बात करूं, सब कुछ आपको LED टाइप में देखने को मिलेगा। ये इसके आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं विद DRLs के साथ में। तो फ्रंट सेक्शन आपने देख लिया, और सस्पेंशन देखिए अप्स एंड डाउन वाले इसमें देखने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये से यहाँ से जो है इसकी हेडलैम्प्स जो है जल गई है। बाकी डिस्क ब्रेक दोनों में आगे और पीछे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें ABS नहीं होगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम टाइप का आपको इसमें देखने को मिलता है। तो भैया रेंज जो है ये क्या क्लेम कर रही थी कंपनी क्लेम करती है 156 के आसपास। अच्छा 156 किलोमीटर पर, वो इतनी देती नहीं है। 120 के आसपास देती है। अच्छा वो फर्स्ट मोड पे और सेकंड पे भाई 80 के आसपास। हाँ अपना थर्ड मोड पे 65 के आसपास। अच्छा मतलब वो एक्चुअल वाली है, बाकी वो जो मैंने 2-3 महीने में कवर अप करी है, बाकी मतलब थोड़ा 10-20 तो बढ़ा के ही बताती है कंपनी बढ़ा के बताती है। हाँ तो बाकी एक बार आप देख लीजिए इसका ओवरऑल, और जो बैटरी है, बैटरी कंपार्टमेंट कहाँ है इसका? बीच में यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। खोलना यहाँ से जो है चाबी लगा के यहाँ से वो ओपन हो जाता है, जहाँ से अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ भैया ने डॉक्यूमेंट रखे हैं। यहाँ से जो है बैटरी कंपार्टमेंट आप इसे इजीली एक्सेस करके, अच्छा इसको यहाँ से आप निकाल के वैसे चार्ज करते होगे ना? दोनों ऑप्शन है इसे, अगर आप दोनों ऑप्शन है, एक चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पे है। हाँ एक यहाँ पे अगर ड्रैग करना चाहते हैं ड्रैग कर लीजिए बैटरी बाहर निकाल के। अच्छा बाकी वही हो सकता है, बाकी अगर आपकी बाइक कहीं चार्जिंग स्टेशन अलग है वैसे निकाल के आप बैटरी को करना चाहे, थर्ड फ्लोर पे रहते हो तो निकाल के बैटरी ले जाइए अपने कमरे में चार्ज करके। बिल्कुल ये सही हो गया, बैटरी काफी अच्छी मतलब अच्छी खासे वोल्ट की होगी है ना। तो बाकी बैटरी का कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला। बाकी चार्जिंग दो तरह से है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बाकी आप करना चाहें तो इसका जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं, बाकी दोनों तरफ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और बाकी रियर से देखें तो रियर से आपको कुछ यहाँ पे ऐसे लगा दो, ये तो रियर से आपको यहाँ पे कुछ
पीछे जो है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और जो बैटरी है 72 वोल्ट की 3.24 किलोवाट की जो इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी। अब इसे चला के भी देखेंगे, बाकी रियर से देखें अगर आप तो रियर अगर डायमेंशन की बात करें अच्छा खासा जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी जो ये सेंटर स्टैंड जो आप इस पर गाड़ी देख रहे होंगे खड़ी हुई, ये कंपनी से नहीं आता है ना भैया, ये भैया ने आफ्टर मार्केट लगवाया है। तो अगर आप सोचें कि ये सेंटर स्टैंड भी इसमें आता है तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता, तो ये कंपनी से आपको नहीं मिलेगा, तो बाहर से लगवाना पड़ेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अच्छा खासा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आपको देखने को मिलेगा 200 के अप्रोक्स में है, कितना हाँ इतना ही है, मतलब 200 प्लस ही है। तो बाकी इसकी जो वेट की भी बात करें, वेट अच्छा खासा है 108 kg का, क्योंकि वेट ही वेट पे ही डिपेंड क्या है, अच्छी खासी आपको क्या है उतना जो है रेंज देखने को मिलेगी ज़्यादा। तो बाकी ऑल ओवर इसकी जो बात करें, रियर टेल लैंप्स आपको पूरी LED देखने को मिलेगी, इस तरीके से आपको देखने को डिज़ाइन इसका LED टाइप में देखने को मिलता है। बाकी अब भैया से पूछते हैं, भैया तो अब तक जितना कितना डेढ़ से जितना भी महीने होगा, 1.5 से 2.5 महीने कैसा रहा सफर? बढ़िया रहा अभी तक तो, बहुत बढ़िया रहा सब मेरा सर्व। हाँ। तो कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं आई है। अच्छा, मतलब आप डेली 3466 किलोमीटर चला चुका हूँ। अच्छा, 3466 किलोमीटर आप चला लिया भैया ने, और यह पूरी फुली डिजिटल यहाँ पे इसका जो है मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। मीटर की बात करें यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, इको मोड ये आगे है ना जी, इको मोड पे फर्स्ट, सेकंड मोड पे, हाँ ये थर्ड मोड पे, हाँ तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मोड है जिसमें कि आपकी स्पीड जो रहती है वो थोड़ा कम हो जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। जब वो सेकंड मोड पे ज्यादातर आप कौन से मोड पे चलाते हैं भैया? सेकंड पे चलाता हूँ। सेकंड पे चलाते हैं क्योंकि देखो फर्स्ट मोड पे तो ऐसा लगता होगा मतलब चल रहे हैं, तो स्कूटी लेने का। हाँ, फर्स्ट पे देखो भैया जो है आपकी जो है स्पीड थोड़ा कम रहेगी लेकिन रेंज ज्यादा रहेगी। सेकंड में क्या है, थोड़ा स्पीड और जो रेंज का रेशियो थोड़ा इक्वल सा हो जाता है। फिर थर्ड में क्या है, स्पोर्ट्स मोड टाइप का आ जाता है जो कि क्या है एकदम एक ऐसा फील चाहते हैं कि मतलब हम भगानी ही है। हाँ। तो उसपे क्या है थोड़ा रेंज कम हो जाएगी आपकी, और तो स्पीड जो है कितनी चली जाती है थर्ड मोड में? थर्ड मोड पे 85 के आसपास जो है थर्ड मोड पे स्पीड चली जाती है, और सेकंड पे 60 के आसपास सेकंड पे है, और बाकी फर्स्ट पे क्या 40 के आसपास आप इसकी स्पीड देख सकते हैं। बाकी जो है पूरा आपको ये डिजिटल आपको पूरा देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर वर्क करता है या कि कुछ नहीं आगे पीछे पूरा? ये सब आपको बैटरी के परसेंटेज 90% चार्ज कर रखी है भैया ने बैटरी। बाकी यहाँ से आप ये देखें, ये इसका हॉर्न है, इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पूरा LED टाइप में, जो कि यहाँ से कुछ मतलब वो KTM वाले स्टाइल में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ से अगर आप देखें इसकी हेडलैम्प को, ये बीम सेट करने का, ये आपने बाहर से लगवाया? हाँ, ये बाहर से लगा, ये बाकी भैया ने ये बाहर से लगवाया है। USB का भी इसमें चार्जिंग पोर्ट है कहीं, ये इसी में आया था, इसी में, ये साथ में, ये भी इसमें आपको यहाँ से, आप यहाँ से कुछ भी चार्ज कर सकते हैं बाकी आपको जो भी करना हो। और यहाँ से क्या है ये चीज आप ये देख सकते हैं, ये साउंड का दे रखा है ना, मतलब एक तरीके से ये आर्टिफिशियल साउंड है। अगर आप इसे ऑफ करते हैं ना तो मतलब ये बाइक अगर चलती है तो आपको पता नहीं लगेगा बाकी अगर आपने ओवरटेक करा है, क्यों भैया? तो वैसे आप ये बताइए ज्यादातर आप इसे मतलब ऑन करके चलाते हैं? नहीं, ऑफ करके चलाता हूं, मैंने अभी तक लेके आया हूं, मैं मुश्किल से आधा पौना घंटा यूज किया होगा इसे। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में ही करा होगा, मतलब चेक करने के लिए? बस, वो भी बस वही हल्का फुल्का किया, बाकी मैं यूज करता नहीं ऐसे। हाँ, वैसे अगर भैया को मैंने एक बार देखा था कि जा रहे थे भैया, मतलब पता भी नहीं लगा था भैया साइड से चले गए, फिर मेरे को लगा हाँ ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। बाकी इसमें सेफ्टी फीचर ये भी आता है कि स्टैंड लगा हो तब स्टार्ट नहीं होती है, तब स्टार्ट नहीं होती, पार्किंग मोड पे रहेगी अगर स्टैंड आपका रहेगा, अगर स्टैंड उठेगा तो फिर आगे चलेगी। तो इससे क्या है स्टैंड हटके ही जो है, साइड स्टैंड हटके ही चलती है ये। बाकी एक बार ये जो साउंड है इसे आप और भी जो है ऐप के द्वारा और भी मतलब चार मोड मिलते हैं इसमें। बाकी यहाँ से अगर आप देखें एक तरह का यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आपको ये कुछ ऐसी एकदम आर्टिफिशियल वाली जैसे कि
एक तरीके से छोटे छोटे वो नहीं आते खिलौने बच्चों के, वैसी कुछ ऐसी आवाज फील करवाता है। तो इससे क्या है, ऑफ करके ही थोड़ा मतलब एक वो फील आता है कि हाँ चल रही है बाइक। बाकी इसकी जो सीट हाइट की बात करें, 813 के अप्रोक्स जो है mm इसकी जो सीट हाइट रहती है, तो उस हिसाब से क्या है इसे इजीली जो है बंदा ड्राइव भी कर सकता है। बाकी अगर आप ये देखें बाइक की जो मैंने कलर जो बताया, कलर ऑप्शन है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी आप ये देखेंगे सीट हाइट की बात करूँ, 814 mm इसकी जो सीट हाइट रहेगी, 1350 mm क्या है इसकी जो है आपको देखने को मिलती है व्हील बेस। बाकी अगर मोटर की बात करो, 3 kW की जो है इसमें आपको मोटर देखने को मिलती है जो कि इसको पूरा जो पावर देती है। अब जो आप इसे हो फ्रंट में अगर आप देखें तो यहाँ आपको डबल डिस्क तो मिली रही है, साथ ही साथ आपको जो है अलॉय रिम्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी हैं जो आपको यहाँ से देखने को मिले। नाइलो ग्रिप का उसको उसमें जैपर का जो है टायर सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 90-80-17 inch का। और यहाँ अगर आप देखें रियर में, तो रियर में क्या है आपको देखो टायर भी आपको अच्छी खासी कंपनी के दिए गए हैं यहाँ पे MRF के, जो आप यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ से देखें तो अच्छा खासा जो है टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे 120-80-17 inch के आपको आगे पीछे दोनों जगह टायर देखने को मिलते हैं। तो अब तक जो है यहाँ से क्या है जो लोकेशन है अपनी गदरपुर है, तो यहाँ पे क्या है नैनीताल भी पास पड़ता है। तो भैया क्या आप नैनीताल लेके गए इसे? नैनीताल लेके गए, दो बंदों के साथ गए नैनीताल। अच्छा, दो बंदों के। हाँ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया वहाँ पे इसने, जो चढ़ाई थी आराम से चढ़ी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सिंगल चार्ज में गई थी या करना पड़ा चार्ज? ये रास्ते में मैंने 1-2 घंटा लगाई थी। अच्छा, 1-2 घंटा लगाए थे, मतलब वही थोड़ा 80 किलोमीटर बनता है, पर रिक्शा लेने की वाली बात थी, रास्ते में कुछ स्टेशन मिलेगा नहीं हिल पे, वही तो डाउन में ही थोड़ी, वही तो थोड़ा हिल होंगे, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया होगा चार्जिंग पे लगा के। तो बाकी आपने बैटरी कंपार्टमेंट देख लिया, यहाँ से गए बैटरी कंपार्टमेंट है काफी अच्छा लगता है। और स्पेशली ये पावर का किस चीज का है? स्टार्ट करने का? अच्छा, गाड़ी का ऑफ करने का। अच्छा, तो ये इसे गाड़ी ऑफ करने का ऑप्शन है। तो आप ये देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कुछ आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके की बाइक है। बाकी ओवरऑल जो भैया ने बताया अब तक तो कुछ कमी नहीं लगी, अभी तक तो कोई कमी तो नहीं, मतलब एक तरीके से मतलब कुछ तो लगा होगा कि ये चीज और होना चाहिए था बाइक में। एक तो ये साइड सेंटर स्टैंड वाली ही मेन है जो आपने मॉडिफाई करवाया उस टाइम। हाँ, एक यहाँ पे अगर मुर्गाट होता दूसरा वाला, अच्छा उसकी वजह से, अच्छा पीछे का जो वो आ जाता है, हाँ उसमें थोड़ी सी ये नहीं करना चाहिए। हाँ, तो एक तरीके से एक तो सेंटर स्टैंड जो डबल वाला होता है ये तो होना ही चाहिए था। बाकी जो रेंज से जो भैया खुश हैं, रेंज से जो भी दी दे रखी है उन्होंने, अच्छा खासा जो रेंज है, और अंडर 1 lakh के अप्रोक्स जो है, 1 lakh 1 lakh 20 हज़ार के अप्रोक्स में काफ़ी सही बाइक है। और ये चीज़ भी इसमें लगी आई होगी, ये भी बाद में मैंने लगवाई। अच्छा, ये भी गार्ड, लेग गार्ड भी भैया ने बाद में लगवा रखा है एक तरीके से, मतलब इसे पेंट करवाया होगा आपने ना? ये मैंने चेन्नई से मंगवाया था। अच्छा, मंगवाया आपने चेन्नई से मंगवाया? अच्छा, तो ये लेग गार्ड भी जो भैया ने एक तरीके से कंपनी देती है, वैसे उन पर रहता नहीं है, शोरूम पर भी नहीं रहता, कंपनी देती नहीं है। अच्छा, ये चीज़ तो थोड़ा मतलब और बाइकों में भी शायद अलग ही लेनी पड़ती है ना, लेकिन जो बाकी जो भैया ने सेंटर स्टैंड बनाया ये चीज़ तो होनी चाहिए थी। बाकी अगर आप यहाँ से जो है एक मडगार्ड होता है जहाँ से क्या है जो मिट्टी क्या है ऊपर को आती होगी ना ज़्यादा, हाँ सारी फिर मिट्टी वगैरह ऊपर से आती है। हाँ, तो ये एक और होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए, जैसे थोड़ी लेके जाते 50-60 पे बारिश बुरिश के टाइम पे। हाँ, सब ड्राइवर तक की सीटें आती हैं। अच्छा, बाकी इसका जो सस्पेंशन का कैसा वर्क है? सही है, सस्पेंशन बढ़िया, मतलब कोई इशू नहीं है। और बाकी हेडलाइन का बीम का थ्रो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बाकी चार्जिंग टाइम क्या रहता है इसका? चार्जिंग इसका 4.5 घंटे रहता है, 4.5 घंटे में 0 से 100 तक, 4.5 घंटे लेती है, 4.5 घंटे में हो जाती है। तो मतलब ज्यादा डेली का कितना खर्चा, कितना यूनिट खत्म कर देती होगी? 3 यूनिट लगता होगा, वही 1 यूनिट का कितना, 5-6 रुपए होगा, 7-8 वो भी मान लो, 20 रुपए। हाँ, 20 रुपए मान लीजिए, 20 रुपए में भैया अपना डेली का एक तरीके से आप तो मतलब क्या है वही पेट्रोल गाड़ी मतलब भूल ही गए होगे, चला यूज नहीं करता, घर पे खड़ी है तो जब से ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही करा आपने। और ये देख लीजिए, ये रिवोल्ट का मतलब 2.5 से 3 महीने हो गए भैया को लिए हुए। आप प्राइस मैंने सब आपको बता दिए कितने में भैया ने ली थी और कितना जो है इस पे भैया को सब्सिडी मिली थी। अब शायद ये हल्द्वानी में भी आने वाली होगी, आने वाली है ना भैया? हल्द्वानी में आने वाली है। हाँ, फरवरी मंथ में लगभग आ जाएगी। अच्छा, आपने बुकिंग वहीं से कराई थी? हाँ, नहीं मैंने तो दिल्ली से यहीं से करवाई थी। अच्छा अच्छा, दिल्ली के लिए। हाँ, यहाँ लोगों ने बुकिंग करवाई है। अच्छा, एक तरह की, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आती रहती होगी इसके रिगार्डिंग, है ना आपके पास? हाँ,
साइड पेन के चलते रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो दोस्तों एक बार यहाँ से देख लीजिए आप, कुछ ऐसा रहा आपको पूरा ओवरऑल जो बाइक है कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो अगर इसकी जो नेक्स्ट राइड वाली जो वीडियो है जिसे मैं चला के देखूँ वो अभी आप देख लेंगे, इसी में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तरीके से एक ओनरशिप रिव्यू करना था और जो आपने देख लिया। और इसमें मैंने थोड़ा पानी सा देखने को मिल रहा है, ये चले जाता है क्या? अच्छा ये ठंड की वजह से है, बाकी विजिबिलिटी तो मतलब एक तरीके से वो गायब हो जाता होगा जैसे सांप। हाँ हाँ, ये तो नॉर्मल उसमें भी देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल जो है पिलियन के लिए जो सीट ये भी आपको ऐसी देखने को मिलती है, देखिए एक तरीके से डबल टोन डिजाइन में। तो ये मॉडिफाई करवाया आपने? अच्छा, वैसे ब्लैक की थी? बिल्कुल ब्लैक थी। अच्छा, मैंने फोम वगैरह और लगवाई है। अच्छा, वैसे सीट भी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी इतनी कंफर्टेबल। हाँ, बाकी यही जानना चाह रहा था मैं। हाँ। कि मतलब क्या चीज जो इसमें जो मिस थी, सीट वाली भी प्रॉब्लम एक स्टैंड। हाँ। ना देखो थोड़ी थोड़ी चीजें सब निकल के आ रही है, भैया खुद ही बता रहे हैं। मेरे को लगा, देखिए इतना मैंने रिवोल्ट देखी नहीं है, लेकिन मुझे लगा इसी के साथ आता होगा, लेकिन जो भैया ने अपने अकॉर्डिंग जो इसमें काम कराया, सीट जो है इसमें कुशनिंग और करवाई आप भैया ने, और बाकी फोमिंग लगवा के, और डुअल टोन उसमें बाइक के कलर के अकॉर्डिंग ही भैया ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे और थोड़ा मॉडिफाई करा, जैसे कि जो सेंटर स्टैंड है यहाँ से। बाकी भैया कुछ जुगाड़ और ढूंढ रहे होंगे बैक मडगार्ड का, वो अपनी तरफ से जब बनेगा तब भैया कर लेंगे। बाकी यहाँ से जो सीट का जो है, सीट भी थोड़ा भैया कहते ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ज्यादा ही पतली होगी ना? हल्की ज्यादा पतली है। हाँ। ना, ज्यादा पतली है। अच्छा, थोड़ा मतलब डेली सिटी में चलने वाले हुए तो फिर थोड़ा परेशानी हो ही जाती है इसमें। तो बाकी आपने देखा ओवरऑल जो बाइक थी, मतलब रेंज के हिसाब से ऐसा कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, है ना भैया? हाँ जी, रेंज के हिसाब से ठीक है। हाँ ठीक है, जितनी कंपनी क्लेम करती है उतनी नहीं है। हाँ, उतनी तो होनी चाहिए थी, 1520 पैसे चलती है इको मोड में। तो मतलब इको मोड में ज्यादा कोई बंदा चलाता नहीं है वहाँ, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पे चलाता हूँ, सेकंड में वो 80 के आसपास आती है। अच्छा, तो मान लीजिए मतलब वही जो जनरल जितनी भी गाड़ियां आती हैं उस तरीके से, जो जैसे स्कूटीज भी आती हैं वो कंपनी 120 का करती है, 80 तक का दे दी, तो सेकंड मोड पे क्या है 80 तक जी है इसमें भैया ले रहे हैं, जो 80 तक का रेंज ले रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट मोड पे है उतनी स्पीड रहती नहीं है, बंदा मतलब चलाता भी नहीं उतनी, है ना? तो इस तरीके से बाकी ओवरऑल जो है वैसे रेंज के हिसाब से तो भैया ठीक ठाक मेरे को मतलब हैप्पी लग रहे हैं। मेरा भाई अप डाउन 50-60 किलोमीटर का चलता है। अच्छा, डेली का। हाँ, उतने मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ, तो बाकी वैसे सस्पेंशन का रिस्पांस काफी अच्छा, मतलब ठीक है भैया ने बताया। बाकी और हेडलाइट का बीम थ्रो क्या वो भी राइट नाइट में सही है? बाकी जितना अभी फिलहाल तो कितना 1.5 से 2.5 महीने हो रहे हैं, बाकी अगर एक लॉन्ग, बाकी भैया अपने गदरपुर में रहते हैं 1-2-3 साल बाद जितना भी एक्सपीरियंस लेना चाहें इसकी, और जो कमियां अगर बाहर निकल के आती हैं तो वो भैया हमें चलते फिर आगे पता चलता रहेगा इसमें क्या कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, शेयर हमारे साथ भैया जरूर करेंगे। बाकी भैया अपना किस चीज का काम हुआ? अपना ट्रेडिंग का काम है, सीट ट्रेडिंग का। सीट ट्रेडिंग का काम है। बाकी अगर किसी को कुछ भी अपना कोई भी सीड का काम हो, अगर कोई भी ट्रेडिंग का, हमसे संपर्क। हां बिल्कुल, नियर गदरपुर में रहते हैं भैया, नंबर बताना चाहोगे भैया? चलो नंबर भैया बताना नहीं चाहेंगे। बाकी यहाँ पे गदरपुर में मेन जैसे जैसी आप एंटर करते हैं वहीं पे जो है भैया की शॉप है, वहाँ से आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं भैया से। और ऑल ओवर जो है बाइक का काफ़ी अच्छा जो है एक तरीके से ऑनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू रहा। ज़्यादातर क्या है कॉस्मेटिक जो चेंज है उसमें जो है थोड़ी सी भैया को जो है सेंटर स्टैंड में, और बाकी बात करें सीटिंग में उसमें थोड़ा सा है कमी लगी, बाकी जो है ओवरऑल बाइक का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों यही थी जो है एक रिवॉल्ट की जो ये बाइक आती है RV 400 करके, इसका एक्सपीरियंस शेयर किया था हमने ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू भैया के साथ में। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।